मार मार के कर देनी चाहिए सुताई, ऐसा कह रहे हैं एक पूर्व कप्तान अबाउट बीसीसीआई। भाई लेकिन ऐसी बात तो कोई हुई नहीं ना। अरे मैं आई एम जस्ट एग्जेजरेटिंग टू मेक अ पॉइंट। क्या कर रहे हो? एग्जेजरेट कर रहा हूं। एग्जेजरेट कर रहे हो? एग्जेजरेट कर रहा हूं। और किसके बारे में कर रहे हो? यार ये पूर्व कप्तान है, दिलीप वेंगसरकर साहब की बात हो रही है यहाँ पे, कर्नल साहब जिन्हें प्यार से कहते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं जता रहे बिल्कुल भी बीसीसीआई और टीम इंडिया के प्रति, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा खार खाए बैठे हैं। और अकेले पहले तो हम कह रहे थे कि जितने फैंस हैं वो खार खाए बैठे हैं बीसीसीआई से, टीम इंडिया से, ये कैसे गंदी तरीके से हार के आए हो आप। आईपीएल में एक तो एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद WTC के अंदर ऐसे आपके कंधे झुक गए, और बुरी तरीके से, वैसे झुक के तो इन्होंने बिल्कुल ही ऐसी तैसी करा ली अपनी, झुक के करवा ली, मैं कह रहा हूँ ऐसी तैसी करा ली, क्योंकि बिल्कुल वो था नहीं ना, फाइटिंग स्पिरिट अंदर बिल्कुल भी नहीं थी यार, फाइटिंग स्पिरिट। और मतलब ऐसा नहीं है कि WTC में नहीं दिखी, मतलब कहीं भी नहीं दिख रही है यार। एक आखिरी अगर फाइटिंग स्पिरिट दिखी है तो भाई वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, जिसमें विराट कोहली ने वो 18/48 जो आखिरी में बचे थे। फाइटिंग स्पिरिट इनकी और थी, जब ये WTC से पहले जब इनको ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन मिला था ना, तब ये लोग शॉपिंग करने गए थे, वहाँ पे ट्रू इंडियन की तरह सारे लोगों ने वहाँ पे सेल मांगी, बार्गेन डिस्काउंट मांगा है, कह रहे भैया 500 पाउंड तो बहुत ज्यादा है, 450 कर दो। इतनी वहां पे फाइटिंग स्पिरिट इन्होंने दिखाई है, लेकिन यही अगर ग्राउंड पे दिखाते तो शायद दिलीप वेंगसरकर साहब ऐसा ना कह रहे होते टीम के बारे में। टीम और बीसीसीआई के बारे में क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई, भले इनके पास पैसा आ गया है आईपीएल की वजह से जी, लेकिन सिर्फ यही नहीं एंड गोल हो सकता ना कि पैसा आ गया मीडिया राइट से, बस और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन भैया यही तो कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होता है। आप अगर बीसीसीआई में बैठे हुए हो और टीम इंडिया की बात कर रहे हो, भाई इंडिया की टीम है ये, और अगर आप इसको नहीं नर्चर नहीं कर पा रहे हो, आप नए टैलेंट को ग्रूम नहीं कर पा रहे हो अगर, तो क्या फायदा है आपका होने का? क्या फायदा है? सेलेक्टर्स के लिए उन्होंने बोला है कि भैया नई टीम तुम लेकर नहीं आ रहे हो, नए प्लेयर्स को तुम ग्रूम नहीं कर रहे हो, सेम उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। और एक जिम्मेदारी और बनती है कि तुम नया कप्तान तक नहीं ला पा रहे हो यार। बताओ, दिलीप भाई ने ये तक भी बोल दिया कि अनकट वाले बंदे संजू सैमसन के बारे में क्या कह के मर गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा नहीं, दिलीप भाई ने ऐसा नहीं, सीरियस नहीं है। लेकिन भाई उन्होंने सही, मतलब सही कह रहे हैं वो, इसी इन्हीं संजू सैमसन और रिंकू सिंह और इन्हीं जैसे प्लेयर्स के बारे में वो बात करना चाह रहे हैं कि आप नया टैलेंट को तो ग्रूम कर ही नहीं रहे हो ना। आईपीएल आपने कर दिया, आईपीएल से इतना सारा ढेर सारा ट्रक भर के बंदा आया जा रहा है, इतना बढ़िया, मतलब पॉलिटिकल रैली चल रही है, 50-50 रुपए ट्रक भर के आ जाओ भाई, भीड़ बनना है। हाँ कह रहे टैलेंटेड हो तुम, आओ तुम्हें खिलाएंगे, और इतना बढ़िया टैलेंट लेके आते हैं वो बच्चे, बिल्कुल मार मार के बहुत बना देते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स का, और उनको जगह ही नहीं मिलती है। फिर भाई एक उन्होंने पॉइंट ये भी रेज करा है कि यहाँ पे जब कप्तान की भी बात आती है, अब अगर आप देखते हो कि रोहित शर्मा कप्तान है, अभी पीछे कुछ नहीं कर पाए, और दूसरा ये भी है कि रोहित शर्मा के बाद अब कौन? रोहित शर्मा, मानो ना मानो कि उनका भी करियर का लास्ट फेज चल रहा है, ठीक है जी। अब कितने टाइम तक ये कप्तान रहेंगे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो अब रोहित शर्मा के बदले नया कप्तान कौन होगा अभी तक किसी को नहीं पता है, ठीक है जी। आप हार्दिक का भी नाम लेते, थोड़ा हिंट है हार्दिक पांड्या, हार्दिक का अगर नाम लेते हो तो वो तो पहले अपने आप को टेस्ट से तो पहले अलग कर चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑल फॉर्मेट कैप्टन कोई मिलने वाला है। अभी आपने रोहित को तो बना दिया था, विराट ने एक एक करके जैसे छोड़ा और एक फॉर्मेट से आपने निकाल दिया, तो उसके बाद रोहित आ गए अचानक से, लेकिन रोहित के बाद कौन दिख रहा है? T20 में मान लोगे हार्दिक ठीक है, चलो ओडीआई में भी मुझे लगता है ओडीआई में भी चलो देख लेंगे, जैसे तैसे देख लेंगे, लेकिन टेस्ट जो बंदा खेल ही नहीं रहा, तो टेस्ट के लिए कैप्टन कौन बनेगा? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आ तो जाए पहले नहीं, ऋषभ पंत वापस आएगा, ऋषभ पंत बनेगा टेस्ट का कैप्टन। और एक एग्जांपल उन्होंने और दिया था, कहते 2021 में जब श्रीलंका का टूर हुआ था, तो वहां पर क्योंकि एक पैरेलल सीरीज चल रही थी, इंग्लैंड में चल रही थी और दूसरा श्रीलंका के अंदर चल रही थी, वहां पर कैप्टन अचानक से बना दिया गया, शिखर धवन को बुलाया और कहा आज से आप कप्तान, आप हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये क्या सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर आप पैरेलल टूर्स रख रहे हो इस तरीके के क्रिकेट वाले, तो यहाँ पर अगर आप यंग टीम भेज रहे हो, आपके पास पूरा पूरा मौका था कि इस तरीके की जितनी सीरीज होती हैं, सिर्फ ये वाली नहीं और भी जितनी सीरीज होती हैं, यहाँ पे आप यंग प्लेयर को लेकर आ सकते हो, यहाँ पे आप किसी यंग प्लेयर को एक कप्तानी का रोल दे सकते हो, ग्रूम कर सकते हो इस बहाने के, उन सीरीज में इतना प्रेशर नहीं होता। मेन टीम अगर आपकी कहीं और जाके खेल रही है और दूसरी टीम आपके बच्चों वाली जो होती है, मतलब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होता, वो भी इंडिया ए नहीं है, वो भी इंडिया ही है, इंडिया है, इंडिया दो जगह इकट्ठे खेल रही है, टेस्ट भी खेल रही है और वो भी खेल ऐसे रही है। में किसी यंग प्लेयर को फिर भी थोड़ा सा मौका दिया जा सकता है ना, जहाँ पे भैया के थोड़ा और अच्छी कैप्टेंसी कर लेता है, या इंडिया के पास कम से कम कैप्टन के ऑप्शंस तो हो जाते हैं। अब आज की डेट में मान लो हार्दिक जितने इंजरी प्रोन है, रोहित भाई फिटनेस वैसे उनकी नहीं है, हार्दिक भाई फिटनेस के चक्कर में तोड़ा लेते हैं, लेकिन रोहित भाई को इंजरी नहीं होती, आप देख रहे हो, चाहे फिटनेस हो ना हो, इंजरी तो बिल्कुल नहीं होती वो सर। इंजरी जितनी भी लोगों की हो रही है ना यहाँ पे, वो हो रहा है कि भैया जैसे बुमराह था स्ट्रेस फ्रैक्चर, कि आप जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो इस वजह से ये हो गया है आपका ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, कि जरूरत से ज्यादा। कोई भी मशीन है तो उसको रगड़ दो बिल्कुल ही चला चला के 24 घंटे, ब्रेकडाउन करेगी ना बिल्कुल। अगर वो पड़ी हुई है बीच बीच में कभी चल जाती है, तो यही तो कहते हैं ना भाई गाड़ी स्टार्ट कर लिया करो तो इंजन गरम रखोगे तो चलती रहेगी, भले आप उसको पूरा रेस मार के बोलो नहीं कर रहे हो उसका। हाँ तो नहीं हो रहा है रोहित शर्मा का, ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन इसीलिए तो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा ना। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उनको कोई इंजरी वगैरह हो, वैसे टीम से चले जाएं, अपने आप से जाएं। हाँ मतलब अगर अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं तो ये तो सिलेक्टर्स कॉल लेंगे, पर क्या वो इतने ब्रेव हैं कि वो ऐसा कोई कॉल ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता। क्या खाली पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है बीसीसीआई? मेरे को बीसीसीआई से बात करनी है। ये जो बीसीसीआई पैसे पे मर रही है, ये कब सोचेगी आगे टीम के फ्यूचर के बारे में भी? क्योंकि इनका तो मेरे को समझ में नहीं आता है टीम के। ये सारे लोग बोलते हैं जितने यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोग भी बोलते हैं कि भाई टीम के अंदर अगर एक बार जगह बना ली और आप अगर बीसीसीआई में किसी के भी कोई खास बंदे के प्यारे हो जाते हो, तो फिर तो आप मजाल ही नहीं आपको बाहर निकाल पाए कोई। तो जैसे राहुल हो गए, पता नहीं किसके प्यारे हैं राहुल के तो वो तो पैर में चोट लग गई, वरना मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था कि श्रीकर भरत खेल लेते या ईशान किशन का दूर दूर तक भी कोई मौका मिलता है। वैसे तो ऋषभ पंत के साथ भी जो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे, T20 और ODI के अंदर जब बुरा कर रहे थे, तो उनको भी बाहर बाहर का कोई जगह नहीं दिखा रहे थे, बिल्कुल नहीं आप चले जाओ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, कुछ कुछ नहीं। हर्षा भोगले को वो भी हड़का के आ गए थे, अभी सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ आप भूल चुके हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले। मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैंने मैचेस कितने खेले हैं, 20 साल बात करना ना मेरे को कंपेयर। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे दिया उन्होंने। लेकिन भाई दिलीप जी तो भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं यहाँ पे कि आईपीएल के ऊपर पूरा फोकस हो रहा है, और उसके अलावा इंडिया टीम जो है वो अपने आप पे फोकस नहीं कर रही है, कैप्टनसी पे। और शिखर धवन की जो बात, फोकस अगर कर भी रहे हैं आईपीएल के ऊपर अच्छी बात है ये, कि भाई नए प्लेयर लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका कर क्या रहे हैं आगे, वो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस में, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स का भूत बना रखा है डोमेस्टिक में। हाँ, और इंटरनेशनल प्लेयर ने इंटरनेशनल में हमारा भूत बना रखा है। अच्छा ऐसे ऐसा कर रखा है भाई शिखर धवन को, यार शिखर धवन को जब कैप्टन बनाया और उसके बाद एक जिम्बाब्वे की सीरीज में कैप्टन बनाया। हाँ हाँ मुझे पता है कहाँ कह रहा आप तो कैप्टन है कैप्टन है कैप्टन है, आ तुम्हारा गब्बर निकालो, जैसे चलो साइड हो जाओ, अब तो कैप्टन नहीं है, गब्बर नहीं है। हाँ अब वो उनको कहा अब तो गब्बर नहीं है। अच्छा फिर राहुल भाई अब ठीक हो गए हैं, अब जिम्बाब्वे के साथ राहुल खेलेंगे, तो कप्तान बन के राहुल भाई कप्तान बन के आए। हाँ। फिर उनको क्या नाम है ओपन भी करवाया गया, कहाँ करवाया, नहीं तो फिर वो आए नहीं ना बैटिंग पे, मैं ये तो कह रहा हूँ। हाँ, वो बैटिंग करने नहीं आए, शुभमन गिल और शिखर धवन को उन्होंने मैच जितवा दिया, बात कर कह रहे तो रहने दे यार, तो तू बैठ यार, तू कप्तानी कर, बहुत थक गया होगा। अब वेरी गुड कैप्टनसी भी रे, वेरी गुड। वही है ना कि भाई ज्यादा गोडे पे जोर नहीं डालना है आपने। हाँ दिमाग लगाया होगा, कह रहा इंजरी इनको भी स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हो जाए दिमाग में। तो भाई यही तकलीफ है। देखो दिलीप जी ने तो अपनी जो है वो चिंता जाहिर कर दी है, जैसे वेंकी भाई ने करी थी राहुल को लेके, अब दिलीप जी ने भी कर दी है। उन्होंने तो, किसी एक का नाम ना लेते हुए पूरी बीसीसीआई टीम इंडिया को धो डाला। हाँ यार, और दुलना बनता भी है यार, जिस हिसाब से ये लोग इंटरनेशनल मैचेस अपने खेल रहे हैं, तो या तो आईपीएल भी गंदा खेलो, आईपीएल में इतना अच्छा खेल लेते हो फिर सबकी उम्मीदें बढ़ जाती है, वाह भाई वाह इंडिया की तो क्या टीम है, क्या टीम है भाई। सारी 8 की 10 टीमों की आईपीएल की फ्रेंचाइजियों में से जो बेस्ट खिलाड़ी है वो इंडिया टीम में खेल रहे हैं। भाई मैंने किसी का एक सजेशन पढ़ा था कल, मैंने कहीं ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं, तो बंदा बोल रहा था, कहता है WWE वाला फॉर्मेट रख दो। हाँ। बायलैटरल सीरीज कराओ, ये बड़े-बड़े पेपरव्यू जो होते हैं ना, बड़े-बड़े वर्ल्ड कप वगैरह, ये वंस इन अ व्हाइल जो आ रहे हैं आन दो। हाँ। लेकिन बायलैटरल सीरीज के अंदर ही ना वर्ल्ड कप इधर से उधर जा रहा है, जैसे चैंपियनशिप बैठ जाती है ना कि भाई आपस में कहते हैं बायलैटरल सीरीज का मतलब बदल जाएगा एकदम से लोगों को। बिल्कुल यार, और बिल्कुल जोश आने लग जाएगा उससे। लेकिन और चैलेंज कर रहा है बीसीसीआई, चैलेंज कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, मेरे को WTC की बेल्ट के लिए तेरे से लड़ाई करनी है, मनी इन द बैंक लेके वहां से नेपाल आ रहा है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को हरा के रख दिया नेपाल ने और बेल्ट ले ली। कुछ भी हो सकता है। लेकिन भैया ये तो फैंटेसी वाली बातें हैं, ये जो सही बात कही है, कॉन्क्रीट बातें कही है दिलीप वेंगसरकर साहब उर्फ कर्नल साहब ने, आप इनसे कितना सहमत हो, आप उनसे मतलब अग्री करते हो नहीं करते हो, क्या टीम इंडिया के पास कोई भी फ्यूचर के लिए कोई टैलेंट नहीं है, क्या ये ग्रूम होगा या नहीं होगा, कप्तान कौन बनेगा, क्या आईपीएल से आगे भी बढ़ के बीसीसीआई देखेगी कभी कुछ, ये आप सारी बातें नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, लिख सकते हो, आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक कर देना, अनकट को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब के ऊपर बेल आइकन भी दबा देना, वो जो घंटा वाला है टंग करके वो भी दबा देना, बाकी साथ में फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अनकट को आप फॉलो कर लो, बाकी जो भी क्रिकेट की अपडेट होती रहेगी आपके लिए लेकर आते रहेंगे यहीं पर। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं अनकट।